भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन में शामिल हुड़दंगई कार्यकर्ताओं पर होगी FIR, चलेगा मुकदमा। हड़ताली शासकीय कर्मचारियों से मिलने पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, कहा हम आपके साथ हैं। पोर्न साइट्स बंद कराने, साइकिल पर देश भ्रमण को निकला युवा, 700 किलोमीटर यात्रा कर पहुंचा रायपुर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संभालने के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने ली पहली बैठक, दिए अधिकारियों को निर्देश। नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा, आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान हुड़दंग करने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज होगी और मुकदमे चलाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को बदनाम किया जा रहा है और फर्जी केस लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हुड़दंग करने वाले और जान माल को नुकसान पहुँचाने वाले कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज होगी और उन पर मुकदमे भी चलेंगे। बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन के बाद कुछ वीडियो भी सामने आए थे, जिनमें प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता पुलिस जवान को थप्पड़ मार रहे हैं। इसी तरह महिला आरक्षक ने भी वीडियो में बताया कि कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान अति उत्साह में महिला आरक्षकों को भी चोट पहुंचाई। हम लोग यहाँ से सुबह से खड़े हुए हैं, ड्यूटी में बाहर से छुट्टी करके आए हैं। लड़कियाँ हैं, लेडीज कॉन्स्टेबल है, उसको देखे भी ना वो लोग सीधा चढ़े जा रहे थे और हम लोग को यहाँ चोट भी लगा है थोड़ा सा और धक्का मुक्की भी हुई है। लेडीज है, उसका ख्याल भी नहीं रखे कि थोड़ा सा साइड हो जाइए, भी नहीं बोले ना कुछ भी नहीं, बस आगे बढ़ रही है। इधर राजधानी के SSP प्रशांत अग्रवाल ने वीडियो देखकर पहचान किए गए कार्यकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही। इस पर प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि प्रदर्शन के बाद इस प्रकार की FIR होती ही है। जिन थानों के क्षेत्रों की घटनाएं होंगी, जिन थाना क्षेत्रों के पुलिस वालों के शारीरिक अगर चोट हुआ होगा, तो राजनीति में तो हम लोग भी 15 साल विपक्ष में रहे हैं, इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, आंदोलनों में इस प्रकार के FIR होते रहते हैं। अपने कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज होने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि सरकार हमारे कार्यकर्ताओं को बदनाम कर रही है और उन पर फर्जी मुकदमे चला रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के आंदोलन में इतनी बड़ी संख्या में युवा आए थे, पूरी तरह से युवा संयमित थे, अनुशासित थे, उसके बाद भी हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ ये जो फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं और जो विभिन्न तरीकों से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसके खिलाफ हम डट कर लड़ाई लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे और हम ना हमारा कार्यकर्ता डरेगा ना झुकेगा, पूरी ताकत से सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संभालने के बाद पहली बार विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को लंबित पड़े कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संभालने के बाद प्रदेश के पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे ने विभागीय बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को लंबित पड़े कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। दो दिनों तक चली इस बैठक में विभाग के समस्त अधिकारी मौजूद रहे। पूरे प्रदेश के सभी जिलों के जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और उप संचालक पंचायत और हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अभी हमने समीक्षा बैठक, दो दिन से कल भी बैठक का आयोजन था और आज भी लगातार ये बैठक चल रहा है। पूरे प्रदेश में ग्रामीण विकास की सारी जो राशि है उसका कैसे सदुपयोग किया जाना चाहिए और किस तरीके से आने वाले समय में हम लोगों को और काम करना है, विकास के जो काम करना है, उसके बारे में लगातार समीक्षा कल से अभी तक हम लोग कर रहे हैं और विभिन्न योजनाओं में केंद्र सरकार के द्वारा भी छत्तीसगढ़ को हमेशा से प्रशंसित और पुरस्कृत किया गया है और CEOs के माध्यम से आने वाले समय में, चूँकि अभी बरसात का मौसम है, सितंबर महीने के तुरंत बाद अक्टूबर से हमारे विकास कार्यों की सारी शुरुआत हो जाएगी, तो लगातार इसकी हमने समीक्षा किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सतर्कता समिति की बैठक ली। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से निगरानी समिति की समीक्षा करें और रिपोर्ट प्रस्तुत करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत सतर्कता समिति की बैठक ली।
इस बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में ST SC और OBC वर्ग के लिए निर्धारित योजनाओं के निष्पादन की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वे समय समय पर निगरानी समिति के कार्यों की समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि हमारी सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा ही नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का वादा किया था, जो कि हमारी सरकार कर रही है। मंत्री के इस बयान को आम आदमी पार्टी ने झूठा बताया और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन को भी अनैतिक कहा। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि हमारी सरकार ने कभी वादा नहीं किया कि बेरोजगारों को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। मंत्री चौबे ने कहा कि उस दिशा में हमारी सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया है। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया ही जाएगा, ऐसा नहीं। बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। और हमारे घोषणा पत्र को बार बार दिखाते हैं, हम तो उन्हीं से आग्रह करते हैं कि परम सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, एक बार उसको पलट करके क्यों नहीं पढ़ते। कृषि मंत्री के इस बयान को आप पार्टी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए झूठा बताया और भाजपा के प्रदर्शन को अनैतिक करार दिया। इस प्रकार से कांग्रेस के मंत्री जी ने कहा कि हमने प्रदेश के युवाओं से 2.5 लाख रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का वादा नहीं किया था, तो ये एक मंत्री जी को जो सरकार में मंत्री है उनको ये बोलना शोभा नहीं देता, क्योंकि सीधे सीधे उनके घोषणा पत्र में लिखा था कि हम 10 लाख बेरोजगारों को 2.5 हजार रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। भाजपा के पास तो नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि भाजपा ने 15 साल तक छत्तीसगढ़ के युवाओं को बेवकूफ बनाया है। और जो लोग यहाँ आए थे, भाजपा के नेता, जो राष्ट्रीय नेता यहाँ आए थे, वो पहले अपने केंद्र सरकार से सवाल पूछे कि क्या उनने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया। राजधानी रायपुर के टाटीवन चौक पर पीपल का पेड़ टूटकर सड़क पर गिरा। इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन यातायात कुछ देर तक बाधित जरूर रहा। राजधानी रायपुर के टाटीबंध चौक के पास एक प्राचीन पीपल का पेड़ टूटकर सड़क पर आ गया। इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। देर रात हुए इस हादसे से यातायात कुछ देर के लिए प्रभावित जरूर हुआ, लेकिन बाद में इस टूटे हुए वृक्ष को हटा दिया गया, उसके बाद यातायात क्लियर हुआ। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने 100% सफल बताया। उन्होंने इस प्रदर्शन के बाद सरकार की उल्टी गिनती शुरू होने की बात कही। इस पर प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि प्रदर्शन के पहले नगर निगम व्हाइट हाउस के सामने जो भीड़ इकट्ठा थी वह मात्र 5000 से अधिक नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रदर्शन में शामिल हुए युवाओं को धन्यवाद दिया और इस प्रदर्शन को 100% सफल कहा। उन्होंने 24 अगस्त के प्रदर्शन को छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आंदोलन बताया। अरुण साव ने कहा कि 28 अप्रैल 2002 के आंदोलन के बाद तत्कालीन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, अब इस सरकार की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 28 अप्रैल 2002 के आंदोलन के बाद तत्कालीन राज्य की कांग्रेस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हुई थी। छत्तीसगढ़ की जनता में इस सरकार की वादा खिलाफी के कारण जो नाराजगी है, वो जो आक्रोश है, कल उसका प्रगटीकरण हुआ है और छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन इसे हम कह सकते हैं। कांग्रेस बौखलाई हुई भी है। प्रदेश अध्यक्ष द्वारा आंदोलन में शामिल भीड़ को लेकर प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि प्रदेश की जनता जानती है कि व्हाइट हाउस के सामने कितनी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो सकती है। नगर निगम ऑफिस के सामने आम सभा का आयोजन किए थे, तो नगर निगम ऑफिस के सामने जितनी उनको उम्मीदें थीं उतने लोग आए हैं और नगर निगम ऑफिस के सामने सड़क में 7-8 हज़ार लोगों से ज़्यादा उपस्थिति हो नहीं सकती। उनने उतनी ही उम्मीद की थी और उसी को सफल बना रहे हैं, तो मैं उनको ही धन्यवाद दूंगा। लेकिन लाख आदमी की अगर बात करते हैं तो 1 लाख लोगों की कैपेसिटी तो पूरा रायपुर जानता है कि रायपुर नगर निगम के सामने की सड़क में 1 लाख लोग कैसे आ सकते हैं। देश में पॉर्न साइट बंद कराने को लेकर मध्य प्रदेश के विदिशा शहर का एक युवा ऋषि शुक्ला साइकिल यात्रा पर देश भ्रमण के लिए निकला।
इस साइकिल यात्रा के माध्यम से ऋषिदेश में पॉर्न साइट बंद कराए जाने का आह्वान कर रहा है। अपनी इस यात्रा को ऋषि ने युवा बचाओ अभियान का नाम दिया है। 15 अगस्त से शुरू हुई ऋषि की यह साइकिल यात्रा विदिशा से भोपाल और नागपुर होते हुए रायपुर पहुंची। मध्य प्रदेश के विदिशा में रहने वाले आरक्षक ऋषि शुक्ला युवा बचाओ अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के सहारे वे देश में पोर्न साइट्स बंद करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए वे साइकिल से यात्रा पर निकल गए हैं। ऋषि ने बताया कि 15 अगस्त 2022 को उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत करते हुए साइकिल से देश भ्रमण को निकले। विदिशा से भोपाल फिर नागपुर होते हुए रायपुर पहुंचे ऋषि ने बताया कि वे पोर्न साइट की खिलाफत करते हैं, क्योंकि इसका बुरा प्रभाव युवा पीढ़ी, बच्चों और समाज पर भी पड़ रहा है, जिसे तत्काल प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए ओवरलोड वाहनों और बसों के वाहन चालकों की जांच पड़ताल की गई। इसके अलावा दंतेवाड़ा यातायात विभाग द्वारा यातायात जागरूकता अभियान भी चलाया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर लगातार दुर्घटना को देखते हुए दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने जांच और जागरूकता के निर्देश दिए। निर्देश पर अमल करते हुए यातायात प्रभारी सलीम खाखा द्वारा ओवरलोड गाड़ियों और बसों के वाहन चालकों की जाँच की गई, जिनमें कुछ वाहन चालक शराब के नशे में पाए गए। ऐसे वाहन चालकों पर कार्यवाही की गई। इसके साथ ही दंतेवाड़ा यातायात विभाग द्वारा स्कूलों में जाकर यातायात संबंधी जानकारी, उसके नियम और कानूनों को बच्चों के साथ साझा किया गया। प्रदेश में चल रही शासकीय कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कर्मचारियों से मिलने धरना स्थल पहुंचे। वहां उन्होंने धरना पर बैठे कर्मचारियों से कहा कि हमारी पार्टी आपके साथ है। उन्होंने राज्य सरकार पर सभी वर्गों के साथ अन्याय का आरोप लगाया। प्रदेश में चल रहे शासकीय कर्मचारियों की हड़ताल का भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने शासकीय कर्मचारियों की मांग को जायज ठहराते हुए उनसे धरना स्थल पर जाकर मुलाकात की और कहा कि हमारी पार्टी आपके साथ है। साव ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी से अन्याय कर रही है। उन्होंने फिर दोहराया कि घोषणा पत्र में वादे करके अपने वायदों से कांग्रेस सरकार मुकर रही है। आज जिस प्रकार से अन्याय और अत्याचार राज्य के कर्मचारियों के साथ सरकार कर रही है, आज बड़े बड़े पंडाल धरना के लगे हुए हैं, सरकार उनके साथ भी अन्याय कर रही है, उनकी मांगें जायज है, वो पूरी होनी चाहिए। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।